चला मुरारी हीरो बनने के पिछले एपिसोड में आप सब दर्शकों ने देखा कि मुरारी ने करोड़ों की लागत से बने सूट को हैक किया ताकि वो वही कर सके जिसके लिए उसे मना किया गया था। सब लोग ठीक है? तुम्हारी करतूतों के बावजूद भी सब ठीक है। मेरी करतूतों के बावजूद? वो लोग खतरनाक हथियार बेच रहे थे और मैंने आपको वार्न भी किया था, पर आप सुनते कहाँ हैं? ऐसा सब कुछ होता ही नहीं। अगर आपने मेरी बात सुनी होती, अगर आपको मेरी परवाह होती ना, तो आप यहाँ होते। हाँ, मुझे परवाह है। कभी सोचा FBI वाले वहां कैसे पहुंचे? जानते हो, सिर्फ मुझे यकीन था तुम पर, जबकि सब मुझे पागल समझते थे भरोसा करने के लिए एक 14 साल के बच्चे पर। मैं 15 साल का हूँ। बस बकवास बंद करो अपनी। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी। अगर आज किसी की जान चली जाती तो कौन इसका जिम्मेदार होता? सिर्फ और सिर्फ तुम। और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो उसके लिए मैं जिम्मेदार होता, और मैं इस वक्त उसके लिए तैयार नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं। I'm sorry. सॉरी का कोई फायदा नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, पर मैं बस आप जैसा बनना चाहता हूँ। पर मुझसे बेहतर क्यों नहीं? ठीक है, ये मामला यहीं खत्म करते हैं। मुझे सूट वापस चाहिए। कब तक के लिए? हमेशा के लिए। समझिए, ये सूट ही मेरा सब कुछ है, इसके बिना कुछ नहीं हो। अगर तुम इसके बिना कुछ नहीं हो तो तुम इसके लायक नहीं हो, समझे? डैड की तरह बात करने लगा हूं मैं। मेरे पास और कपड़े नहीं है। उसका जुगाड़ कर लेंगे। से फोन कर रही हूँ, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? मैं कितनी परेशान हो गई थी। फिर वो फेरी का एक्सीडेंट हुआ, मैंने 5 पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी की, 5। मैंने तुम्हारे सभी दोस्तों को फोन किया, नेट की माँ को फोन किया, क्या? मुझे कुछ नहीं हुआ। रिलैक्स, आई एम फाइन। बकवास बंद करो। मैं जानती हूँ तुम स्कूल में नहीं रहते, तुम वॉशिंगटन के होटल रूम में भी नहीं थे, तुम हर रात घर से गायब रहते हो। बहुत गलत है ये। बेहरा प्लीज मुझे बताओ आखिर चल क्या रहा है, सब सच बताओ, मैं कुछ नहीं कहूंगी। इंटेंशन कैंसिल हो गया। क्या? Yeah. पर ये कैसे हुआ? मैंने सोचा कि मैं मेहनत करूंगा तो वो मुझे आगे बढ़ाएंगे, पर सब गड़बड़ कर दी। ओह, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, इट्स ओके। मैंने आपको भी बहुत तकलीफ दी ना। देखो, मुझे बस तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। हाँ, जानता हूँ। मैं भी घर से गायब हुआ करती थी। अच्छा, जाओ जाओ के नहा लो, तुमसे बदबू आ रही है, बहुत ही गंदी बदबू है। पता है। पीटर, तुम एक अच्छे लड़के हो और काफी स्मार्ट भी, तो अपनी ये हरकतें बंद कर दो। ओके, ठीक है, तुम जा सकते हो। तुझे स्कूल से निकाल दिया क्या? तुझे उस दूसरे स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा ना जहाँ प्रिंसिपल हॉकी स्टिक से मारता है? I'm sure वो रूमर है और मैं इसी स्कूल में हूँ। बच गया यार,